हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ करंट एनर्जी। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, क्या उनके लव मैसेजेस हैं, मैं आज आपको दूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं, अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, तो आज आप ये मेरी रीडिंग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पाइल्स रख देती हूँ, आज यही पाइल रख देते हैं सामने से। पाइल वन, पाइल टू, पाइल थ्री, आप चूज कर लीजिए कौन सा आप, कौन सी वॉन्ड्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके लव मैसेजेस क्या हैं, जो भी गाइडेंस निकल के आएगी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, वो सब मैसेजेस आज मैं आपको इस रीडिंग में देने वाली हूँ। और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल वन से। चलिए देख लेती हूँ पाइल वन वालों के लिए क्या निकल के आता है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं इस वक्त, उनकी करंट एनर्जी ये बोल रही है, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा तभी ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मैं रीड कर पा रही हूँ। आपसे मिलने का उनको बहुत मन है, आपसे वो प्यार करते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। इस वक्त अगर आप डाउट भी कर रहे हैं कि क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है या किसी और लेडी के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस बारे में वो सिर्फ और सिर्फ अब तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। बस कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन इस रिलेशन को वो सक्सेसफुल भी बनाना चाहते हैं। रुके हुए से दिख रहे हैं, ये जो एनर्जी है मुझे दिखा रही है। देखिए, इसमें भी मूवमेंट दिख रहा है, ये भी, बट ये जो एनर्जी है यहाँ पे वो रुके हुए हैं। कोई तो रीज़न है आप दोनों के बीच में कि वो चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या आप शादीशुदा हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया है। होगा तो ज़रूर, बट डिले है। आपको मिलेंगे तो ज़रूर, मिलने तो ज़रूर आएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। इमोशनली ड्रेन, उनको लगता है जैसे कि उन्होंने आपको खो दिया, अब आप उनकी नहीं हो सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, इस रिलेशन में तो कुछ बचा ही नहीं है। आपसे दूर होके खुश नहीं है वो, जहां पे भी हैं खुशी खुशी दूर नहीं गए हैं आपसे। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चाहे कांटेक्ट हो या ना हो, लेकिन आपसे दूर होके उनको अच्छा तो नहीं लग रहा है। आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, वो आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, अगर आप उनके दिल की बात मुझसे पूछें तो।
नहीं आ पा रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह ज़रूर है, कोई बड़ी वजह ही है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। अगर ऑलरेडी उनकी फैमिली है तो डेफिनेटली ये वो बिग रीज़न है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है। बट आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, उस पर भरोसा करें या नहीं करें, सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है वो आदमी, तो वो सच बोल रहे हैं आपको, उन पे भरोसा कीजिए। आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो भी बनी हुई है, आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। आप श्योरिटी रखें, आपका रिकनसाइल होगा, आप मिलेंगे ज़रूर। अगर आप मिलने का वेट कर रही हैं, 6 महीने के अंदर अंदर संभावना है आप दोनों मिलोगे, वो आपसे मिलने आएंगे। मैंने पहले भी बोला था कि मिलेंगे तो ज़रूर, भले ही डिले है लेकिन मिलेंगे ज़रूर। 6 मंथ तक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान यही किया है, आपको मिलवाने का। ये है प्लान यूनिवर्स का। तो सरेंडर रखिए, किसी भी तरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखिए। आप दोनों में से अगर किसी के बीच में, देखो एक तो इमोशनली ड्रेन्ड है पर्सन और दूसरे में ईगो बहुत ज़्यादा है, या तो ये आपके पर्सन की है एनर्जी है, वो ईगो दिखाते होंगे आपको ताकि वो आपको ये अपनी इमेज छुपा सके, आपको अपनी ये वाली इमेज दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। और देख लेते हैं क्या फीलिंग्स हैं, क्या सजेशन है। एक्सप्रेस योर लव। आपके पार्टनर शायद दिल की बात खुल के बताते नहीं हैं, दिल की बात तो छुपाते हैं, ईगो दिखाते हैं आपको। प्यार होते हुए भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपको अपना बना के रखना चाहते हैं, लेकिन ये सब बातें शायद वो आपको बताते नहीं हैं। तो उनके लिए भी गाइडेंस है कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करना सीखें। अगर ये आप हैं तो आप सीखिए। अगर आप अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं, किसी डर में हैं कि रिजेक्शन का डर है, कोडिपेंडेंसी का कार्ड है ये आपके लिए भी हो सकता है। ये आपके पर्सन के लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए है। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आप रह नहीं पा रहे हैं, उनको चेस किए बिना जी नहीं पा रहे हैं, उनसे बात किए बिना आपसे जिया नहीं जा रहा है, आप उनको स्पेस नहीं दे रहे हो, आप उनको कुछ सोचने नहीं दे रहे हो, आप अपने हिसाब से चाह रहे हो अगर सब कुछ, तो आप कोडिपेंडेंसी में हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी सिचुएशन ये है, ऐसे में आप जो कुछ भी कर लो वो पर्सन नहीं करेगा, जितना मर्जी आप समझा लो उनको। क्योंकि एक तो वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, इसीलिए कार्ड भी आया है कि उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहिए, और ये आपका इश्यू हो सकता है, ये कोडिपेंडेंसी। एडिक्शन मत लेके आओ अपने प्यार को। अगर आप एडिक्शन में हैं तो कहीं ना कहीं अभी आपने प्यार का मतलब जाना नहीं है, अभी आपको जानना बाकी है। अगर किसी भी तरह के एडिक्शन में हैं आप,
आपको अपने ऊपर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए भी गाइडेंस है, आपके पर्सन के लिए भी है। इस वक्त तभी आप वो ही कीजिए जो आपको सही लग रहा है, उनसे थोड़ा सा स्पेस लेके ही रखिए। अगर आपके पर्सन ने आपको आके प्रपोज किया है, आप बदले में उनको नहीं बता रहे हैं, आप उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि आपको अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपना प्यार, एडिक्शन में नहीं है, तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी यही दिखा रहा है, मेक द एफर्ट्स। यहाँ पे भी, अरे एक कार्ड और है इसके पीछे। अपने पास्ट को अपने आप को होल्ड मत करने दो, पास्ट में मत पकड़े रहो, जो हो गया है भूल जाओ। क्योंकि यहाँ पे ये भी कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों में से किसी ने रिलेशनशिप में नेगेटिव चीजों को पकड़ के रखा है, अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान नहीं है, अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं है। अगर ऐसा आप हैं या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है। जो हो गया है सो हो गया है, उससे बाहर निकल के अब नई शुरुआत की जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला जाए। अगर ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों अनमैरिड हैं, तो आपको एफर्ट्स करने चाहिए अब दोनों के लिए। लव मैसेजेस दे देती हूँ आपके पार्टनर के लिए। आपके लिए आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है? यू एप्रिशिएट मी। यहाँ पे और मैसेजेस क्या है? यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, वेरी गुड। यू नेवर गिव अप ऑन मी वेन आई एम एट माई वर्स्ट। उनको भी इतना तो भरोसा है कि अगर वो किसी चीज़ में फंसे भी हैं, परेशान हैं, तो आप उनको उस हाल में छोड़ोगे नहीं, आप उनकी हेल्प करोगे। यू लव अनकंडीशनली। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी, यू आर स्टिल अडोरेबल। अब गुस्से में भी होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा आपका पार्टनर का कहना है आपको। तो ये है मैसेजेस जिन्होंने भी पाइल वन चूज किया था। होप गाइस आपको अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं रीडिंग करूँगी पाइल 2, पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। न्यू बिगनिंग दिखा रहा है ये मुझे, जैसे कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अपने प्यार पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। एग्जैक्टली, आपसे मिलने के बारे में ही सोच रहे हैं।
बट किसी चीज को लेके वो कंफ्यूज हो गए हैं, ये रीजन क्या है? ये रीजन है ट्विन फ्लेम। सी, आप दोनों की ही एनर्जी में समझ पा रही हूँ। देखिए यहाँ पे, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर इनमें से ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की, आप देख सकते हैं। एक काफी परेशान है, एक काफी पॉजिटिव है, एक काफी नेगेटिव है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, नॉन एक्शन में है, एक एक्शन लेना चाहता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ। ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं मुझे आप दोनों की यूनियन में, अगर आप यूनियन के बारे में सोच रहे हैं तो बीच में कुछ तो ऐसा है। और ऑब्स्टेकल्स कोई माइनर ऑब्स्टेकल्स नहीं है, पर आपने शायद भरोसा ऊपर वाले पे रखा हुआ है। इस वक्त आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में। एक तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, दूसरा वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर प्यार बेशुमार है उनके दिल में। अगर आप पूछना चाहें तो किसी चीज की वजह से कंफ्यूजन में है, इसलिए वो नॉन एक्शन में है, आई मीन एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। और आपने भी अभी तक भरोसा रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको आपके प्यार पे भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे नई शुरुआत करना भी नहीं चाहते। सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी चीज़ को लेके तो रुके हुए हैं। और वो को वजह कोई छोटी वजह नहीं है। एक तो आप ये भी कह सकते हैं, इस वक्त ये जो भी चल रहा है ये यूनिवर्स के हिसाब से ही चल रहा है, तो आपको इससे होके तो निकलना ही होगा। इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। अभी अगर हो भी सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इस रिलेशन में, तो सब कुछ खराब हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है, तो आपको भरोसा रखना है यूनिवर्स के ऊपर। और शायद ऑलरेडी आप प्रे करते हो, 2400 घंटे आप नाम लेते हो भगवान का इस रिलेशनशिप के लिए, प्रे कर रहे हो। मदर इश्यूज दिख रहे हैं, वो अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये भी है कि वो ऑलरेडी मैरिड है तो उनके बच्चों की माँ है, ये रीजन भी है, बड़ा रीजन है ये। कोई भी ऐसे नहीं कर पाता, इसलिए वो उल्टी दिशा की तरफ दौड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। आपके तरफ जाके भी नहीं आते, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिम्मेदारियां उनको ले जाती है, जहां पे भी वो है वो खुश तो नहीं है उस पार्टनर के साथ। अब आप में से जिन जिनके पार्टनर मैरिड हैं, वहां पे वो खुश नहीं है, पर आने वाले टाइम पे अगर उनके दिल की बात करो तो वो हमेशा ऐसी, ये नंबर टू जो दिखा रहे हैं ना, तो यही दिखा रहे हैं कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर है। पार्टनर नहीं है तो फैमिली तो बिल्कुल ही है आप दोनों के बीच में। इस वजह से आपके जो पार्टनर है वो भी परेशान है ना, तो वो छोड़ सकते हैं ना, वो वहां पे भी निभा पा रहे हैं। इसी वजह से ही वो परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। परेशानियां उनको भी होती है, स्ट्रेस उनको भी होता है, प्यार होते हुए भी आपसे दूर रहना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। इस वक्त जजमेंट आपके फेवर में ही है, आप ये मत सोचो कि कुछ भी गलत हो रहा है, बस सिचुएशन जैसी है आपको वैसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यह है आपके पार्टनर की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, जहां पे भी वो जिसके साथ भी है खुश नहीं है, बट वहां से वो बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। केमिस्ट्री अभी भी आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो मैं देख रही हूँ, यहाँ पे दिख ही रहा था। मैं
रिलीजन का फर्क है शायद आप दोनों के बीच में, इसलिए भी आपकी लव लाइफ अफेक्टेड है। फैमिली नहीं मान रही है क्योंकि धर्म अलग है। अभी एक दूसरे को और समझने की जरूरत है, एक दूसरे की सिचुएशन को भी समझने की जरूरत है। अगर आप गुस्से में हैं किसी चीज को लेके, आप पेन में हैं, तो आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के भी एक बार जरूर सोचिएगा। अभी और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, और क्या गाइडेंस है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। भरोसा रखने की जरूरत है अभी भी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ तो बड़ा हो रहा होगा आपकी लाइफ में। तो आपको जरूरत है कॉन्फिडेंट रहने की अभी, अब इस रिलेशन के ऊपर गिव अप मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों एक नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं रहा। रिलेशनशिप तो ये तब भी रहेगा, भले ही आपसे बात हो या ना हो, भले ही आपसे शादी हो या ना हो, भले ही आप कहाँ पे भी रह रहे हो, रिलेशन आप दोनों का है और वो रिलेशन प्योर है। तो आप भरोसा रखो, पार्टनर की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अब मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। उनको आप पे भरोसा है तो आप भी रखिए। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, आप उनको अच्छे लगते हो। योर पेशेंस इज अनरियल। इम्पेशेंट तो नहीं होते हो आप। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप उनकी ताकत हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको पेशेंस रखने के लिए भी बोल रहे हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं, अगर आप गुस्से में हो रहे हैं, वो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सिचुएशन वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी नहीं बता रहे हैं, और आप अगर गुस्से में हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की वो गाइडेंस दे रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल टू चूज किया है। होप गाइज आपको अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी मैं रीडिंग करूँगी पाइल थ्री। पाइल थ्री वालों के लिए देख लेते हैं क्या निकल के आती है करंट फीलिंग आपके पार्टनर की। एस ऑफ कप, प्यार, इश्क और मोहब्बत। प्यार होते हुए भी बस पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग ऐसे, अपने दिल की बात नहीं सुनने। पता सब है, बोलना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना है। क्यों एक्सप्रेस नहीं करना है? क्योंकि कोई और भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मिलना चाहते हैं आपसे, मुलाकात करना चाहते हैं, परेशान भी हैं क्योंकि उनको लगता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, या तो ऐसा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये बात उनको परेशान कर रही है। अपना हार्ट क्लोज करके बैठे हैं इस वक्त, वो बता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कि यस वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं।
बस आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या वो शादीशुदा है। यही रीजन है कि वो अपने हार्ट को क्लोज करके बैठे हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी याद ना आए, और ये भी कोशिश करते हैं कि वो जो प्यार करते हैं भूल जाऊं, प्यार ना करूं, एनर्जी चेंज हो जाए उनकी। मतलब दिल में इतना प्यार है क्यों है, उनको इस चीज से भी कभी कभी तकलीफ होने लगती है क्योंकि दूर तो जा नहीं पाते हैं। इसीलिए वो सेपरेशन में हो आप दोनों, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। सब कुछ होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी याद आती है उनको, प्यार करते हैं, मिस करते हैं, उसके बावजूद भी आप दोनों अलग हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। यही एनर्जी आ रही है बार बार आपके पार्टनर की। कुछ हुआ भी है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से, इसलिए आप दोनों अलग होंगे। इस वक्त बात नहीं हो रही होगी आपकी एक दूसरे से। आप भी गुस्सा हो किसी चीज को लेके, या उन्होंने किसी और को चूज किया, आपको चूज नहीं किया, इस बात का आपको गुस्सा है। और ये है आपके ट्विन फ्लेम। अगेन ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करूँ उसमें ट्विन फ्लेम ना आए। अभी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर कुछ छुपा भी है तो आपको पता चल जाता है। आपके पार्टनर जो भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपको पता चलता है। अभी मैं और गाइडेंस देख लेती हूँ पाइल थ्री वालों के लिए। दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। अगर आप सोच रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, तो यस ये हैं। न्यू लव शायद कोई और भी आ गया है आपकी लाइफ में, तो आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आपका सोलमेट कौन है और आपका ट्विन फ्लेम कौन है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, समझ जाएंगे आपका सोलमेट कौन है और आपका ट्विन फ्लेम कौन है। जो लोग भी ऐसी सिचुएशन में है, आपने जो जैसा पार्टनर चाहा होगा ना, आपको वैसा ही पार्टनर अब दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। आप प्रे कर रहे हो, अफर्मेशन डाल रहे हो, जो डाल रहे हो, जो सोच रहे हो, आपको वही मिल रहा है या मिलने वाला है। ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। और मैसेजेस देख लेती हूँ और क्या गाइडेंस है फाइल थ्री वालों के लिए। लुक एट बिगर पिक्चर। हो सकता है सिचुएशन इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं, ना तो वो पर्सन कुछ बोल रहा है, ना सुन रहा है, ना उसको समझ आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसा है जो अभी तक आपसे छुपा हुआ है। एक पॉजिटिव ही मैसेज है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत छुपा हुआ है। टेंशन में मत आ जाना, अभी थोड़ा सा संयम रखो, टाइम के साथ साथ आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, आपको वो समझ में आ जाएगा। लव मैसेजेस देख लेती हूँ जिन्होंने पाइल थ्री चूज किया है। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, काफी कुछ कहना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस आए हैं। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। आप एक्सेप्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो उनकी लिमिटेशंस को, ये तो दिख ही रहा है ये जो कर रहे हैं, इसीलिए ये मैसेज भी वैसे ही दे रहे हैं। योर फैंटसीज ब्लेंड विद माइन। कुछ अच्छे पल आपने बिताए होंगे, उसी में ही रहते हैं वो खोए। टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर।
यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल मी. यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड. आपको वो काफ़ी अच्छे लगते होंगे, हैंडसम होंगे, इसलिए वो ऐसा मैसेज दे रहे हैं आपको. यू होल्ड द की टू माई हार्ट. एग्जैक्टली, हार्ट तो है ही, आपके साथ रहना तो चाहते हैं. हाउ यू शेयर एवरी थिंग विद मी. शायद आपने अब अपने दिल की बातें नहीं बताते होगे, तो वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो दोबारा से अपने दिल की बात मुझे बताए. यू कॉम्प्लीमेंट मी. वी आर अ परफेक्ट मैच. यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे. शायद सरप्राइज देते होगे, मिस कर रहे हैं वो पल आज भी. इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी, यू आर स्टिल ओडोरपिल. ओ गॉड, अडोरेबल. कभी कभी क्या होता है. ओके, तो ये है रीडिंग आपके लिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें. मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.